हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के न्यू बाईपास नंदलाल छपरा इलाके में और आज आरजेडी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ बंद बुलाया है। अभी वक्त सुबह का 8 बजा है और अभी से ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जो रोड है, न्यू बाईपास है, उसको ब्लॉक कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड में गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये लोग नारे लगा रहे हैं सीएए और एनआरसी के खिलाफ, लगातार नारे लगा रहे हैं और उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये बताइए कि सुबह सुबह क्यों आप लोग जाम लगाए? सुबह सुबह जाम इसलिए लगाया गया है क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है। इस कारण से इस विरोध में यहाँ पे जाम लगाया जा रहा है। क्या क्या अत्याचार कर रही है? अत्याचार ये कर रही है कि जिस तरह से कोई बाप अपना प्रॉपर्टी संभाल कर रखता है और उसका बेटा बेच देता है, उसी तरह से भारत सरकार का रेलवे, रेल सेल, भेल, CCL जितनी कंपनी थी सभी कंपनी को लालू मोदी जी ने बेच दिया और एक नया प्रोपगंडा निकाला है कि जिसका आधार कार्ड और लिंक कार्ड, 2014 के बाद से खाली आधार कार्ड और लिंक कार्ड ही लिंक हो रहा है। इसके बाद में ना अकाउंट में एक रुपया भी नहीं आया है, ना कुछ आया है। अब इसके लिए क्या करें? यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सड़क पे भी बहुत से आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं और रोड ब्लॉक किए हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये लोग रोड जाम किए हुए हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें, ये पटना का न्यू बाईपास का नंदलाल छपरा का इलाका है और ये 4 लेन है जहाँ पे जाम लगा दिया गया है। बिहार बंद आरजेडी ने आज बुलाया है, उसी के मद्देनज़र आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार यहाँ नारे लगा रहे हैं, सड़क पे ही धरने पे बैठ गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये काला कानून CAA और NRC को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज सब ये लोग जो हैं अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ में देख सकते हैं कि ये काला बिल्ला भी लगाए हुए हैं। ज़्यादातर कार्यकर्ता ये काला बिल्ला लगा करके प्रदर्शन, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग ये जो हाथ में हथकड़ी लगाए हुए हैं, काला बिल्ला लगाए हुए हैं, क्या वजह है कि आप लोग सड़क जाम कर दिए? काला बिल्ला इसलिए लगाए हुए हैं कि काला कानून लाया गया है देश में, देश सभी का है, देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है। और ये जो हाथ बांधा हुआ देख रहे हैं ये रस्सी से, इससे क्या कहने का मतलब है कि लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता होता है, नेता होता है, उदंड होता है, आक्रोश मचाता है, उत्पात मचाता है, तो हम लोग आज हाथ बांध करके बैठे हुए, हम लोग कहीं उत्पात नहीं मचा रहे, हम लोग शांति प्रिय ढंग से इस बंदी को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हम किसी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से CAA और NRC बिल का विरोध कर रहे हैं। हम लोग अहिंसावादी आदमी हैं, हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलने वाले आदमी हैं, हम लोग भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले आदमी हैं, हम लोग सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर, लोहिया कर्पूरी, जननायक लोग, जयप्रकाश नारायण जी के रास्ता पर चलने वाले लोग हैं, उस पर हम लोग विश्वास करते हैं। भारत के तोड़ने वाले लोग जैसे हम लोग नहीं हैं। आज ये नरेंद्र मोदी भारत को तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ एक लेके सबको एक साथ विनाश करने वाले सरकार है ये। ये बताएं कि जो NRC बिल है, हाँ, उससे आपको क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या दिक्कत, क्या आने वाली है? अच्छा ये बताइए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हमारा छरदादा, शायद मेरा नाम है उनको, हमको मालूम नहीं होगा, उनका हम वोटर आईडी कार्ड कहाँ से लाएंगे? उनका हम वोटर का आईडी कार्ड, उनका हम जो भी वो पहचान पत्र कहाँ से लाएंगे? कहता है कि जिसका परदादा छरदादा के वही यहाँ भारत में रहेगा, बाकी किसी और कंट्री में जाएगा। हमारा दादा हमारा बाबूजी को जन्म दिया, बाबूजी हमको जन्म दिए, हमारी माँ हमको जन्म दी और हम यहाँ के वासी नहीं हैं।
हमारा दो दो बार वोट लेके केंद्र में सरकार आप बनाए और यहाँ के हम नागरिक नहीं है। 22 राज्यों से ज्यादा आपका मुख्यमंत्री बनाया और मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ। मैं इस कठोर कानून का सख्त विरोध करता हूँ और राष्ट्रीय जनता दल 21 तारीख का जो बंद बुलाया है, बृहद पैमाने पर हम लोग बंद करने का काम कर रहे हैं और शांति प्रिय ढंग से बंद करने का काम कर रहे हैं। इनकलाब भारत माता की, काला कानून वापस लो। बताएं, शांति पूर्ण ढंग से आप बंद जरूर कर रहे हैं लेकिन इससे आम जनता को काफी मुश्किल होने वाला। आम जनता के लिए ही है ये, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर मैं यहाँ हूँ और पीछे ये लोग हैं तो मेरा ये भाई नहीं है, मेरा ये चाचा नहीं है, ये किसी ना किसी अलग अलग परिवार से, अलग अलग समाज से, अलग अलग धर्म से लोग आए हुए हैं। ये किसी का मामला नहीं है। देश में आप कानून जो ला है किसी एक व्यक्ति को देख कर नहीं लाए, सभी के लिए। मुसलमान सिर्फ बहाना है, किसी दलित को कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान सिर्फ बहाना है, दलित अति पिछड़ा सभी लोगों को भगाना है, गरीबों को देश से भगाना है, अदानी अंबानी के लोग को बसाना है। तो सुना है आपने, मुसलमान सिर्फ बहाना है, दलित पिछड़ा निशाना है और इसी निशाने का ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जो है जन विरोधी है, हमारा ही वोट लेकर हमें अपनी नागरिकता की पहचान बताने कह रही है, इसीलिए हम लोग सड़क पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा बड़ी संख्या में आरजेडी के से जुड़े हुए लोग, कार्यकर्ता यहाँ पे नारा लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाह रहे हैं कि इस काले कानून को सरकार जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि इससे देश और दलित पिछड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। पूरे देश जल रहा है आज, भारत का एकता और अखंडता को छीना जा रहा है, आपस में लड़वाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम बहाना है, दलित पिछड़ा निशाना है। इसको भी ये हथकड़ी, ये हथकड़ी क्यों है? ये हथकड़ी उन लोगों को संदेश दिया जा रहा है जो राजद के बंदी में घुस करके तबाही मचाते हैं और बदनाम राजद को करते हैं। इसलिए हम लोग अपने हाथों को बंद करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से बिहार को बंद करने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ये लोग, खास करके आरजेडी के नेता जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है कि आरजेडी के कार्यकर्ता आज जो बिहार बंद करवाएंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से करवाएंगे और शांति पर उनका विशेष जोर है। दूसरी ओर प्रशासन ने भी कड़ी व्यवस्था कर रखी है, ड्रोन से पूरे प्रोटेस्ट पर निगरानी रख रही है और इसके लिए पूरे पटना में ड्रोन से बंद पर नज़र रख रही है सरकार, पुलिस प्रशासन, ताकि किसी प्रकार की कुव्यवस्था होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस बंदी को कर रहे हैं बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से। मैं आपको फूल देकर को शांति का संदेश देने का काम करता हूं। कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रहा है, कोई आगजनी नहीं हो रहा है। आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देख लीजिए, ये काला कानून और ये तानाशाह सरकार के खिलाफ हम लोग शांति ढंग से बंदी करने का काम कर रहे हैं। इस देश में सभी धर्म के लोग हैं, हर जाति के, हर समाज के, हर धर्म के। ये किसी एक लोग का, ये किसी धर्म का देश नहीं है। मुसलमान, बार बार मैं कह रहा हूँ, मुसलमान बहाना है, हिंदू गरीब को यहाँ से भगाना है। लालू जादो, ये लोगों का कहना है कि दलित पिछड़ा जो है वो निशाना है। हम और लोगों से बात करते हैं, बताइए क्यों आए हैं? वही सीएनसी के कानून की तरफ से आया है, सीएनसी कानून की तरफ से आया है। क्यों बताइए? अभी सिटीजन बिल को लाने की क्या जरूरत थी? जितना अभी देश में मंदी चल रहा है, हमारा हर क्वार्टरली जीडीपी का ग्रोथ रेट कम रहा है और सारी कंपनियां इंडिया से रिटर्न हो रही है। ये नहीं अभी सूझ रहा है कि इंडिया में क्या गरीबी है, ये दिख नहीं रही सरकार को। ये बिल लाने की क्या जरूरत थी? अभी सरकार कह रही है कि देश हित में, राष्ट्र हित में ये बिल लाया गया। अर्थात देश हित और राष्ट्र हित में जब हम जब ठीक रहेंगे, मेरी गरीबी कम होगी, तब ना देश ठीक रहेगा। हम ही बेरोजगार हैं, रोड पर हैं, न खाने के लिए है, न पीने के लिए है कुछ। देश की स्थिति तो रद्दी कर दी है। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लाने की क्या जरूरत थी अभी? उसके बाद एनआरसी 16,000 करोड़ असम में, 16,000 करोड़ असम में पैसा इन्वेस्ट किया गया। क्या हुआ एनआरसी से? अभी तक क्या रिपोर्ट है?
16,000 खजाना किसका पैसा जा रहा है? जनता का पैसा जा रहा है। जनता को पैसा कहाँ लेके जा रहा है? क्या कहना चाह रहा है कि सरकार जो है वो मुद्दे से की कोई जरूरत नहीं थी। देश में जो स्थिति पैदा हो रही है, इकोनॉमिकल हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं, उस स्थिति को अभी ठीक किया जाता किया जाता। आपको लगता है कि सरकार कमियों को छुपाने के लिए सरकार ये बिल लाई है और NRC लाई है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए? जो मन पड़ता है, जैसे मन पड़ता है, जैसे राजतंत्र, यहाँ प्रजातंत्र हो रहा है कि राजतंत्र हो रहा है? हर जगह गरीब मर रहा है, बेरोजगार मर रहा है। जब सुना हमने सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए NRC बिल लाई है ताकि इकोनॉमिक स्थिति जो देश की बिगड़ रही है उससे आम लोगों का ध्यान हटाया जाए। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कहीं गरीब को कोई तरह का सुविधा सर नहीं दिया गया है, बेरोजगार मर रहा है, भूखा झोपड़ी खवा रहा है, वो बेचारा मरा, प्रशासन आके रात में तंग करता है। बस इस तरह का तो यहाँ बिहार में हो रहा है। हमारे क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या करें बताइए आप लोग? सरकार कह रही है कि राष्ट्रहित में NRC बिल हम लेके आए। NRC बिल हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को बेरोजगार पहले भूख चाहिए, पेट चाहिए। NRC नहीं चाहिए हिंदुस्तान के नागरिक को, चाहिए। यहाँ सब एक है, कोई जातिवाद नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। 1947 में आजाद हुई थी, उस समय सेकुलर देश कहा जा गया था। आज हिंदू और मुसलमान धर्म के रूप में क्यों बांटा जा रहा है देश को? क्यों बांटा जा रहा है? आज देश में सद्भाव प्रेम होना चाहिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसी चीज पे बगावत हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि सब बुड़बक है और वही एक चालाक बैठे हुए दो आदमी मोदी और शाह। हम आपको एक बार फिर बता दें कि हम इस वक्त पटना के नंदलाल छपरा इलाके में हैं। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।